दोस्तों, अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत से मिली पाकिस्तान को करारी हार और फिर विराट कोहली और बाबर के दिल जीत लेने वाले मोमेंट को लेकर ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, जिसे सुनकर आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर ओवैसी ने ऐसा क्या बयान दे डाला जिसे सुनकर भारतीय फैंस हैरान रह गए। साथ ही कोहली बाबर को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ कहा, यह सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप में जिस मैच का करोड़ों फैंस को बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कप्तान रोहित शर्मा और बाबर आजम मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से तहस नहस हो गई और केवल 42.5 ओवर में 192 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के लिए लक्ष्य हासिल करना कोई कठिन काम नहीं था। टीम में शुभमन गिल की भी वापसी हो चुकी थी और कप्तान रोहित शर्मा के साथ गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। पहले ही ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय टीम को दो बड़ा झटका लग चुका था। पहले शुभमन गिल और फिर विराट कोहली पवेलियन लौट गए, मगर कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे और दोनों ने पाक गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए भारतीय टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन रोहित शर्मा 86 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अंत में केएल राहुल और अय्यर ने भारत को यादगार जीत दिलाई और इस जीत के साथ विश्व कप में 8 मुकाबले लगातार जीतने का इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को धन्यवाद किया और अंत में विराट कोहली बाबर आजम एक दूसरे से टकराए और दोनों ने एक दूसरे को पहले हाथ मिलाए और फिर अपना शर्ट एक दूसरे को देकर शुक्रिया अदा किया, बल्कि पूरी महफिल अपने नाम कर ली। यह मोमेंट देखकर स्टेडियम में बैठे लाखों दर्शक बल्कि पूरा क्रिकेट जगत इस मोमेंट को पसंद करने लगा। लेकिन वहीं ओवैसी ने पाकिस्तान की हार और कोहली बाबर के इस मोमेंट पर हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया, जैसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं ओवैसी ने क्या कुछ कहा। ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ यादगार जीत दर्ज की और यह मैच मैं पूरा देख रहा था। मैंने रोहित की बल्लेबाजी देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, साथ ही विराट कोहली और बाबर आजम ने मैच खत्म होने के बाद जो किया देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसा बहुत कम मोमेंट देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों के मोमेंट को देखकर यही लग रहा था कि शायद हमारा रिश्ता इससे मजबूत हो। यह मोमेंट पूरे क्रिकेट को महफिल लूट लिया, मुझे बहुत पसंद आया और मैं विराट कोहली को सलाम करता हूँ, एक महान खिलाड़ी है। ओवैसी ने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 8 बार विश्व कप में करारी धूल चढ़ाकर इतिहास रच दिया, इसके लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई और ऐसी शानदार प्रदर्शन दिखाई रहे, विश्व कप का खिताब अपने नाम करे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ओवैसी ने अपने बयान में हर किसी को हैरान कर रख दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, बाबर आजम और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।